हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बाबू एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लाइफ लाइन किंग एंड अनदर द ब्लॉग। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं अयोध्या धाम और आपको अयोध्या धाम का पूरा व्यू, पूरा लोकेशन, पूरी हिस्ट्री बताएंगे। आप हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये है नया हवाई अड्डा जो बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की प्लानिंग है। ये वही जगह है जो आप देख रहे हैं। और ये अयोध्या की नगरी है, अयोध्या नगरी जो आप देख रहे हैं अभी। और ये पुरानी पुरानी इमारतें हैं जो राजा के ज़माने की हैं। भैया भैया, एक्सीडेंट लगा, बात लगा, कार अच्छी नहीं ना। दोस्तों, ये है अयोध्या के राजा का महल, जो अभी हम बाहर से देख सकते हैं। अंदर जाने की एंट्री नहीं है क्योंकि हम जाने की कोशिश किए तो हमें परमिशन नहीं मिली। और ये है अयोध्या की मार्केट, जहाँ पे लोगों की तादाद कभी कम ही नहीं होती है क्योंकि यही रास्ता जो है अयोध्या धाम को जाता है और इसी पे मार्केट लगती है। ये है अयोध्या स्टेशन, यहाँ से लखनऊ जो है लगभग 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। तो आप वहाँ से अगर आना चाहें, या मुंबई से लखनऊ, लखनऊ से यहाँ आना चाहें, या अदर कहीं से आना चाहें, तो आप यहाँ आ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और यहाँ से अयोध्या धाम घूमने के लिए मुश्किल से 20 मिनट लगेगा आपको वहाँ जाने के लिए, ठीक है। तो ये अयोध्या स्टेशन है और उसका लुक कुछ इस तरीके से है। तो ये है तुलसी गार्डन, ठीक है, आप ये इसका नज़ारा देख सकते हैं। अभी ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम में इसका लुक कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, और हम आपको अभी बैक कैमरे से दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये तुलसीदास जी की प्रतिमा रखी हुई है, बनाई गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये तुलसीदास जी की प्रतिमा है, रोशनी की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। ये तुलसीदास जी की प्रतिमा है और ये शाम का टाइम है और यहाँ का नज़ारा कुछ आप देख सकते हैं इस तरीके से। Hold me close till I get up, time is barely on our side. दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अयोध्या घाट और ये अयोध्या नगरी आप देख रहे होंगे हमारे पीछे, है ना। सारी बोटें लगी हुई हैं यहाँ पे, घूमने के लिए लेके जाते हैं, शेयर कराते हैं। अब अभी आपको हम नज़दीक से दिखाएंगे। फिलहाल में अभी हम अयोध्या घाट के पुल के ऊपर खड़े हैं और ये जो है आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। थोड़ा सा रोशनी पड़ रही है चेहरे पर, इसकी वजह से आँखें जो हैं बंद हो जा रही हैं। तो ये नज़ारा है, है ना, ये देखें। तो हम आपको नज़दीक चल के फिर आपको दिखाते हैं। आ गए हैं अयोध्या धाम और ये हमारे पीछे आप नज़ारा देख रहे होंगे, ये सारा जो है अयोध्या धाम है। राम जी जो है यहाँ से 14 साल के लिए वनवास पे गए थे, तो ये सारी चीज़ें हैं और आप ये हमारे सामने देख सकते हैं। ये पूरा नज़ारा आपको दिख रहा होगा, काफ़ी बढ़िया अभी डेवलप करके बना दिया गया है इसको। यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी रहती है, आप देख सकते हैं पीछे, है ना। और अभी हम उस साइड जाएंगे जहाँ पे बोट चलती हैं, लोग वहाँ कुछ पैसे दे करके और शायद थोड़ी दूर लेके जाते हैं, सवारी करा के लेके आते हैं, है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं अभी हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए वहाँ पे भी चलते हैं और इसको हम आपको बैक कैमरे से इसकी स्टोरी आपको बताते हैं। बैक कैमरे से आप इसको जो है वो देखिए और उसके बाद वहाँ तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों लगभग यहाँ पे जो है हर रोज़ लाख सवा लाख आदमी आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं और गाँव के लोग होते हैं, आजू बाजू के शहर के लोग होते हैं, वो यहाँ पे आके घूमते हैं और घूम के जाते हैं। तो ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं वाकई आप यहाँ आएंगे तो बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, इतना अच्छा लगेगा आपको कि आपकी फीलिंग अंदर से जगेगी वाह किस जगह पे आ गए हम, कितनी बढ़िया जगह है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और ये है घाट का नज़ारा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बोटों को ऐसे सजाते हैं जैसे लगता है दुल्हन लेके जाएंगे और काफ़ी बढ़िया से इसका डेकोरेशन करके रखते हैं टूरिस्ट को घुमाने के लिए इस घाट के अंदर। और दोस्तों ये जो घाट आप देख रहे हैं ये नदी है पूरी, इसका नाम है सरयू घाट, है ना। तो आप ये सरयू नदी है, वही घाट के नाम से मशहूर है, घाट के नाम से मशहूर है, लेकिन सरयू नदी है ये। और एक नहीं बहुत सारी बोटें ऐसे लगी रहती हैं यहाँ पे। और कितना भाड़ा लेते हैं आप, कितना भाड़ा लेते हैं घुमाने का? 50 रुपये जो है वो भाड़ा है, कुछ दूर लेके जाएंगे, घुमा के बीच तक लेके आएंगे वापस, तो 50 रुपये भाड़ा लेंगे। और जो है ये कुछ ऐसा नज़ारा था यहाँ का जो हमने आपको बताया। और अभी फ़िलहाल जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं। और दोस्तों आपको जो भी हमने दिखाया है ये सारी चीज़ें दिखाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको एक रेड कलर की बटन दिख रही होगी, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी नई नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।